जिनका जीवन का उद्देश्य ही है ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति, जिन्होंने अपने जीवन का गंतव्य ही ठाकुर जी के चरणों को बना लिया है, उनके जीवन में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन बाधाएं प्रभु के चरणों में जाने से रोक नहीं पाती, रोक नहीं पाती। इसलिए जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, बेटी की प्राप्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य घर बनाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य नौकरी पाना नहीं है। जीवन का लक्ष्य 100 बीघे काश्तकारी की नहीं है। जीवन का लक्ष्य अच्छा कपड़ा पहनना नहीं है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है, ये हमारे जीवन की आवश्यकता है कि ये चीजें हमें आवश्यक हैं, ये चीजें हमको मिलनी चाहिए। लेकिन आपके लिए वास्तव में आपकी जरूरत क्या है, आपको चाहिए क्या, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आप कहां प्रसन्न होंगे, क्या करने से। हम बार बार कहते हैं जो आपको रुचता है, जो आपको पसंद है, जीवन में वही काम करना। हम लोग जीवन में वो काम करते हैं कि जो समाज को अच्छा लगे। हम लोग जीवन में वो काम करने का प्रयास करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। हमेशा देखना हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है केवल दूसरों को सुख पहुंचाने में। पूरा जीवन हम लोग समाप्त कर लेते हैं केवल समाज में अपने आप को ऊंचा उठाने में। अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं दूसरों की निंदा करने में। हम अपने पूरे जीवन को समाप्त कर लेते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। इन सब का मूल कारण केवल है कि हम लोग विवेक शून्य होते जा रहे हैं, विवेक की शून्यता। और जब हम शून्य की तरफ जाने लगते हैं तो हमारे जीवन में संकट ही संकट है। ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं है तो वो सुखी है, किसी के पास बहुत है तो वो सुखी। ना, सुख का कारण धन हो ही नहीं सकता है। ये आप एक बार अब ध्यान से नोट कर लेना कि आपके सुख का कारण धन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर सुख का कारण धन होता तो लोग न जाने कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लेकर के हाथ में और इसे झोली फैला देते हैं ठाकुर के सामने। ठाकुर सब तुमने दिया लेकिन यहां सुकून नहीं दिया, यहां सुख नहीं दिया। पैसा सुख का कारण नहीं है। जीवन में भागना तो पैसे के पीछे मत भागना, पैसे के पीछे नहीं भागना, भागना तो अपने सुख के पीछे। अगर आपको लगता है कि हम जंगल में जाकर के सुखी हो सकते हैं, जंगल में रह के हम सुखी हैं, तो घर छोड़ करके जंगल में चले जाएं। अगर आपको लगता है कि हम नौकरी करके हम सुखी रह सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो बिल्कुल नौकरी करें। आपको लगता है कि अगर हम व्यवसाय करके अगर हम प्रसन्न हैं, सुखी हैं, तो आप बिल्कुल हम कहेंगे कि आप व्यवसाय करें। खेती करके यदि आप सुखी हैं तो जरूर आप सोचना खेती करने के बारे में। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, आप वही काम करना जो आपको यहां अच्छा लगे। सबसे बड़ा धन आपके यहां छुपा हुआ है जो आपका सुख है। आप हमको देख करके कहते हैं आपका तो बड़ा मजा है, बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया यहां वहां कथा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं लोग, आप बहुत पूछ रहे हैं आपको। और आपको देख करके हमें लगता है यार वाह बड़ा बढ़िया, पत्नी बच्चों के बीच में ये मजे मार रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन इनका व्यतीत हो रहा है। हर एक व्यक्ति किसान सोचता है वाह वाह, देखो शहर वाले कितना हाथ गोड़ पोछ करके अपना धो माज करके घर में बैठे रहते, बढ़िया टीवी देखते रहते हैं, अपना खर्चा पानी चल रहा है, छोटे से घर में निवास करते हैं। शहर वाला कहता है गांव में आकर वाह, गांव में आकर के खेतों में धान के खेत में गेहूं के खेत में फोटो सेल्फी लेता है, वाह बहुत सुंदर लगा। वो आकर के गांव के खेतों में आनंद होता है, आनंद पाता है। आप देखना जो जहां पे है वहां खुश नहीं है। इसके पीछे मात्र केवल एक ही कारण है, क्या,
कि हम अपने जीवन में केवल वो किए जो दूसरों को अच्छा लगा, हमको जो अच्छा लगा, काश अगर वो करते तो आज जहां हो वहीं पे खुश रहते, वहीं पे खुश रहते। इसलिए आपकी प्रसन्नता का कारण आपका पैसा नहीं है। बहुत पैसे वालों को 10 साल में देख लिए साहब, बहुत पैसे वालों को देख लिए, इनको देख करके ऐसा लगता है कि भगवान कभी धन देना ही नहीं। इसलिए जीवन में आप कितना प्रसन्न हैं, आपके जैसे आपको बुखार हो जाए तो आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो थर्मामीटर लगा करके आपकी कांख में दबा देंगे, मुख में डाल देंगे, आपके बुखार को चेक कर। वैसे ही आप अपनी सफलता को चेक कर सकते हैं, आप कितना सफल हैं। आपकी सफलता चेक होगी आपके पैसे से नहीं, आपकी प्रतिष्ठा से नहीं, आपकी संपत्ति से नहीं, आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से नहीं। आपकी सफलता का परीक्षण केवल और केवल मात्र आपकी प्रसन्नता से होगा। आपकी सफलता केवल आपकी प्रसन्नता पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान् वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल और केवल अपने सुख के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मेरे भाई जब तुम दुखी ही हो, जब हम रोड पर सोते थे तब भी मन की दशा वही थी, मन व्यथित था। रोड पर से उठा करके भगवान ने हमको छत के नीचे डाल दिया, मन की स्थिति वही है, व्यथित है मन। वहां से भगवान उठा करके हमको एक बहुत अच्छे घर में रख दिए, संपन्न घर में कर दिए, संपन्नता हमको दे दिए, फिर भी मानसिक रूप से हमारा मन बहुत खिन्न रहता है। मानसिक रूप से दुखी हो तो जानना आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। आप अपने पैरामीटर को सेट करो, आप हमेशा जीवन में मत दूसरों को देखो भाई, मत दूसरों को। अगर दूसरों को हम देखे होते तो आज बहुत बड़ा आश्रम होता, बहुत बड़ी गाड़ी होती, और ठाकुर जी ने देने लेने का सामर्थ्य दिया, लेकिन दूसरों को नहीं देखना है। आपको क्या रुचता है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है वो करना है जीवन में। इसलिए सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा। सुबह से लेकर के शाम तक आप किसके लिए प्रयास करते हैं, केवल सुख के लिए। आपके सुबह से लेकर के शाम तक का जो भी कार्य होता है केवल एक प्रसन्नता, केवल केवल उसका एक कारण है, आप प्रसन्न कैसे हैं, क्यों प्रसन्नता के लिए आप कार्य करते हैं, क्या आप प्रसन्न हुए। बहुत लोग तो जाने वाले हैं, बहुत लोग जाने वाले की घड़ी में आ गए हैं, बहुत लोगों का अंतिम समय चल रहा है, उनसे पूछना जाकर वो प्रसन्न हुए, प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता आएगी भी नहीं, क्योंकि हम विवेक शून्य हो गए। अब देखो यहां विवेक बट रहा है, कोई लेना भी नहीं चाहता। अब यहां से हम 500 का नोट बांटना शुरू करें तो ये पूरा पंडाल भर जाएगा। 500 का नोट अभी बांटना शुरू करें तो अभी पूरा पंडाल भर जाएगा, पूरा जगह नहीं रहेगा यहां। पहले हम मार हो जाएगी साहब, लेकिन उसका ही एक प्रतिरूप यहां बट रहा है। जिस प्रकार से 500 का नोट लेने से प्रसन्नता होती है, वैसे विवेक की प्राप्ति से भी प्रसन्नता होती है, विवेक की प्राप्ति। इसलिए विवेक जीवन में बहुत जरूरी है, और उस विवेक की प्राप्ति केवल और केवल सत्संग से होती है।